के इस विकास के जो गति है अभी तो थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन, हमारी टीम कर रही है काम, बहुत अच्छा कर रही है कॉरपोरेशन की टीम। पन्ना दाई का स्टैचू हो या इन सभी सांस्कृतिक धरोहरे और प्राचीन समृद्धियों को बचा के रखा है, मैं अभिनंदन देती हूँ जिन्होंने भी बचाया। लेकिन आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट भी भाजपा की होने जा रही है, मुझे बहुत विश्वास है। हमारे जो देश को बदलने वाले लोग, देश में अच्छाइयाँ करने वाले लोग और हमारे उदयपुर और राजस्थान में पॉजिटिव चेंज लाने वाले लोगों के हाथ में यहाँ की जनता बागडोर देगी। और जो उदयपुर हमारा एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन, बेस्ट डेस्टिनेशन है, उसे और अधिक आगे बढ़ के अच्छी सुविधाएं भी देगा और उसमें यकीनन पॉजिटिव बदलाव आएंगे। शहर में डेवलपमेंट के लिए जिलों में गंदगी आ रही है, उसको कैसे रोका जाए? देखिए, पानी का जो वाटर रिसोर्सेस है उसको संभालना बहुत आसान भी नहीं है। फिर भी मनोहर जी अभी ये बोटिंग और इसको इतना अच्छी तरह से संभाले हुए हैं, काम कर रहे, कार्यरत है। हमारे मेयर श्री भी मैंने जाना है कि बहुत पढ़े लिखे और अनुभवी इंसान है, कि जिनके रहते अलग अलग स्वच्छता की योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी 17 तो बहनें कॉरपोरेशन में काम कर रही हैं और सभी महानगर पालिका बनने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि जो जो अच्छा काम कर रहे हैं पॉजिटिव है, बधाई। नहीं कर रहे हैं उनको आह्वान करती हूँ कि काम कीजिए, नहीं तो जनता सुनेगी नहीं। जितने भी टूरिज्म आता है, सबसे ज़्यादा गुजरात से आते हैं यहाँ। गुजरात अभी भी देखेंगे तो लाखों में आपको यहाँ उदयपुर में मिलेंगे, और उदयपुर इतना सुंदर है कि लोग देखते रह जाते हैं सुंदरता में। और चार चांद क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई है जो उदयपुर के लिए, वासियों के लिए और यहाँ के डेवलपमेंट एजेंसी के लिए? दोनों राज्यों की जो पॉजिटिव समृद्ध राज्य है, गुजरात हमारा प्रॉस्पर स्टेट है और यहाँ इतनी प्राचीन सभ्यता है, तो ये कॉम्बिनेशन इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। मैं कल गई थी इटली में, वहाँ भी दो बड़ी हमने संकुल देखे कि जो मेवाड़ी समाज के लोगों ने बनाए हुए हैं। तो जब बाहर से टूरिस्ट आता है तो उसके रहने खाने का बंदोबस्त ठीक हो, इसलिए पहली तैयारी करनी पड़ती है। नगर पालिका कर रही है उनके रहते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को और अधिक बल देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लोग इस काम में जुड़े हैं उनको सहकार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल था कि यहाँ की जो गैरेज, जो मनोहर जी है गैरेज के अध्यक्ष है, उन्होंने उस कबाड़े को, जो कबाड़ा पड़ा होता है, जो कॉर्पोरेट नगर निगम का जो पुरानी गाड़ी थी, उनको मॉडिफाई करके एक नया स्वरूप प्रदान कर दिया। क्या ये करना चाहिए सभी पालिकाओं? मैं लोकल सिस्टम से ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, क्षमा कीजिए, ये जवाब मैं नहीं दे सकता।